Today, in basics of chemistry, I'm going to explain chemical reactions and equations. With this, हम बात करेंगे how to balance chemical equation. एक balanced chemical equation हम कैसे बनाते हैं? तो उसके method के बारे में हम बात करेंगे. But first of all, we will talk about the chemical reactions. What is chemical reaction? So the process which changes one or more substance into new substances having new properties is called chemical reaction. तो ऐसा कोई भी process जिसके कारण one or more substances new property वाले substance में convert हो जाते हैं, उस process को ही हम chemical reaction बोलते हैं. Some examples of chemical reactions are, जैसे मैंने कुछ examples लिए हैं. First is burning of paper or fuel. You can write wood also. So burning of paper, fuel, wood. Next is cooking of food. Next is digestion. Next is fermentation. तो ये कुछ examples हैं, daily life से ये examples हैं जो कि chemical reactions हैं. इन सभी में chemical reaction होती है. Burning of paper या fuel के time पर या cooking के time पर या digestion process है या fermentation जो process है, इसमें इस इन सारी प्रोसेस में न्यू प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं. सो कैसे आप पहचानेंगे कि ये जो एग्जांपल है ये केमिकल रिएक्शंस का एग्जांपल हो सकता है और ये एग्जांपल जो है वो हम केमिकल रिएक्शंस में नहीं लिख सकते हैं? तो एक बहुत कॉमन सी, एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, वो सारे रिएक्शंस, वो सारी चेंजेस जिनको आप इजीली रिवर्स नहीं कर सकते हैं, उन सारी प्रोसेस को, उन सारे एग्जांपल्स को आप केमिकल रिएक्शंस में लिख सकते हैं. जैसे इन एग्जांपल्स का हम बात करें, बर्निंग ऑफ पेपर, जब आप किसी पेपर को बर्न करते हैं या फ्यूल को बर्न करते हैं या वुड को बर्न करते हैं, तो आपको CO2 मिलेगा, वाटर मिलेगा एंड साथ में कुछ अनबर्न पार्टिकल्स, कुछ अनबर्न सब्सटेंस एशेस के फॉर्म में आपको मिलते हैं. आप एक बार यदि पेपर बर्न करते हैं तो वापस उसको रिवर्स करके उस एश से या जो CO2 और वाटर है उसकी हेल्प से आप फिर से पेपर फॉर्म नहीं कर सकते हैं. या कुकिंग ऑफ फूड, जैसे आपने राइस कुक किया, आप कुक्ड राइस को फिर से रॉ राइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. या डाइजेशन जो प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है, इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं होता है कि डाइजेस्टेड फूड को हम अगेन रॉ फूड जो हमने लिया था उसमें कन्वर्ट कर सकें. या जैसे फर्मेंटेशन होता है, तो जो फर्मेंटेशन के कारण बनने वाला एसिड है या अल्कोहल है उसको आप इजीली रिवर्स करके रॉ मटेरियल जो आपने इनिशियली लिया था उसको फॉर्म नहीं कर सकते. तो एक की फीचर हम बोलें केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज का, तो वो सारी चेंजेस, वो सारी प्रोसेसेस जिनका रिवर्स इजीली पॉसिबल नहीं होता है, दोज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. अबाउट द केमिकल इक्वेशन, सो वॉट इज केमिकल इक्वेशन? सो इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन. किसी केमिकल रिएक्शन में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, यदि आप उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस रिप्रेजेंटेशन को ही हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. केमिकल इक्वेशन में दो मेन कह लीजिए स्पीशीज होती हैं, वन इज रिएक्टेंट एंड नेक्स्ट इज प्रोडक्ट. ये दो चीजें होती हैं. जो आप सब्सटेंस लेते हैं, ओरिजिनली जो सब्सटेंस लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट. और थ्रू द केमिकल रिएक्शन, थ्रू द केमिकल प्रोसेस, दीज रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इन टू द प्रोडक्ट्स. एक कॉमन प्रेजेंटेशन मैंने दिया हुआ है कि इफ A and B are the reactants and C and D are the products. तो हमको मालूम है कि reactant and product के बीच में हम एक arrow के through show करते हैं, जिस इसमें arrow का जो head होता है that is towards the product. ये कुछ common rules हैं. जब आप एक chemical equation लिखेंगे तो आपको left hand side पर reactants लिखना है, right hand side पर product लिखना है और इनके बीच में आपने एक एरो शो करना है, बनाना है. इस एरो का हेड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट होना चाहिए. नाउ तो ये बताता है कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं. रिएक्टेंट
सिंगल होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टू और मोर रिएक्टेंट्स आर देयर या टू और मोर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सो इन दैट केस जो हम दो रिएक्टेंट लिखेंगे इनके बीच में हम प्लस का साइन शो करेंगे. सो इफ टू और मोर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर देयर, सो यू हैव टू राइट दोज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विद द पॉजिटिव साइन. सो हियर ए प्लस बी मीन्स आई एम हैविंग टू रिएक्टेंट्स A and B gives this arrow is showing means these two are reacting. I am giving two product that is C plus D means मुझे C and D product मिल रहा है. तो इस तरीके से ये presentation basic presentation बनता है किसी chemical reaction का, जिसके left hand side पर reactants, right hand side पर products होते हैं. Yeah, so about the balancing of chemical equation. Chemical equation क्या होता है हमने देख लिया, किस तरीके से हम किसी chemical equation को balance कर सकते हैं या हम ये check कर सकते हैं कि वो equation balanced है या नहीं है. So first of all, balanced equation क्या है? So the equation in which equal number of each element is present in the form of reactant as well as in the form of product. या हम ऐसा कहें कि ईच एलिमेंट के जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड पर प्रेजेंट हो उतने ही एटम्स यदि प्रोडक्ट साइड पर प्रेजेंट है या प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो सारी जो इक्वेशंस होती हैं वो बैलेंस्ड इक्वेशन कंसिडर की जाती हैं. यदि ये नंबर इनबैलेंस है, रिएक्टेंट साइड पर एलिमेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट साइड पर कम है या वाइस वर्सा है, सो उन इक्वेशन को हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं. एंड केमिस्ट्री में इफ यू आर राइटिंग द केमिकल इक्वेशन इट शुड बी बैलेंस्ड. सो स्टूडेंट्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू नो अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. सो द वेरी बेसिक मेथड जो हम 9th-10th में पढ़ते हैं, so very basic first balancing method is hit and trial method. इस hit and trial method बहुत simple सा method है. इस method में सबसे पहले आपको जो भी chemical reaction दी गई है उसको आप formula के form में, उसमें react करने वाले जो reactants हैं and products हैं उनकी formulas आप लिख दीजिए. left side पर आप reactant लिखेंगे and right side पर आप product लिखेंगे. मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूं कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर, है ना. ये मेरा इक्वेशन, ये मेरा इंफॉर्मेशन है, ये मेरा केमिकल रिएक्शन है जो मुझे बताया गया है कि इन अ केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस एंड फॉर्म वाटर. सो बेटा हाइड्रोजन गैस का सिंबॉल होता है H2. एंड सबसे पहले आप सिंबॉल लिख दीजिए. ऑक्सीजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन मींस ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है. जो भी रिएक्शन करते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं. सो H2 प्लस O2 ये मेरे रिएक्टेंट हो गए एंड गिव्स या एंड फॉर्म वाटर. तो फॉर्म होना या गिव्स यदि वो कहते हैं सो दैट मीन्स वो प्रोडक्ट के बारे में बात की जा रही है. वाटर का फॉर्मूला लिख दीजिए यहां पर. तो इस टाइप से जो गिवन इंफॉर्मेशन होगा किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में आप उसको सिंबॉलिक फॉर्म में, आप उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देंगे. एक चीज आपने ध्यान रखना है कि आपका जो भी केमिकल इक्वेशन है दैट शुड बी इन मॉलिक्यूलर फॉर्म. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लिखने हैं ईच एंड एवरी एलिमेंट का. आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है. So the very first rule of writing the balanced chemical equation is our equation should be in molecular form. So hydrogen reacting with oxygen and giving water, ये मैंने जो equation लिखा है formula इस मैंने correct लिखा हुआ है. So this is called skeletal equation. ये जो हम basic equation लिखते हैं जिसमें अभी हमने ये check नहीं किया है कि हमारे जो एलिमेंट्स के एटम हैं वो इक्वल हैं या नहीं है. हमने केवल सिंपली जो भी रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेस हमने लिख दिए. इसलिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास
या कंपाउंड के फॉर्मूलाज बनाना सिखाया था, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा तब तक आप बैलेंसिंग नहीं कर सकते। जब तक हमारे फॉर्मूलेज करेक्ट नहीं बनेंगे बैलेंसिंग पॉसिबल नहीं है, बैलेंस्ड इक्वेशन बनना पॉसिबल नहीं है बेटा। सो H2 रिएक्टिंग विद O2 एंड फॉर्मिंग वाटर, ये हमारा स्केलेटल इक्वेशन बन गया। जब आप स्केलेटल इक्वेशन लिख दें उसके बाद आपने किसी एक कंपाउंड या एलिमेंट से आपने स्टार्ट करना है बैलेंसिंग। हमेशा ध्यान रखिए आपने स्टार्ट करना है उस कंपाउंड से जिसके पास नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा। सो दिस इज इन दिस केस दिस इज माय कंपाउंड एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इसी के पास में है, 2 ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ऑफ ऑक्सीजन। हियर वी आर हैविंग 2 2, सो दिस इज द कंपाउंड विच इज हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम एंड दैट इज 3। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए 2 हाइड्रोजन, ओके ये राइट हैंड साइड है, प्रोडक्ट साइड है, इट इज हैविंग 2 हाइड्रोजन, हियर ऑल्सो 2 हाइड्रोजन। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द ऑक्सीजन, हियर आई एम हैविंग ओनली 1 ऑक्सीजन एंड हियर आई एम हैविंग 2 ऑक्सीजन। हम ऐसे नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग, दिस इज एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, सो यू हैव टू यूज O2, राइट। सो नाउ ऑन लेफ्ट साइड वी आर हैविंग 2 ऑक्सीजन एंड ऑन राइट साइड और द प्रोडक्ट साइड वी आर हैविंग ओनली 1 ऑक्सीजन। तो चलिए बैलेंस कर देते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 नहीं ऐड करेंगे, ऑलवेज जो भी बैलेंसिंग होगी वो फॉर्मूले के आगे नंबर लिखकर हम करते हैं। तो एक ट्राई करते हैं 2 लिखकर, क्या हमारा बैलेंस इक्वेशन हिट हो सकता है। तो इसलिए इस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है, क्योंकि हम एक बहुत मिनिमम नंबर से, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से हम ट्राई करते हैं कि हमारा जो बैलेंस करने का जो एम है, जो गोल है, वो हिट हो जाए। सो नाउ सी H2O2 H2, अब H2 हो गया 4, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया 2, आगे जो नंबर लिखते हैं वो इसमें भी काउंट होता है और ऑक्सीजन में भी काउंट होगा। सो ऑक्सीजन इज 2, हाइड्रोजन ये नंबर हमेशा मल्टीप्लाई होंगे, सो 2 इंटू 2 इट विल बिकम 4। सो अब हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया, चलिए आ जाइए इधर हाइड्रोजन बैलेंस कर देते हैं। एलिमेंट्स के साथ एक वेटेज होता है कि एलिमेंट्स को आप सबसे बाद में बैलेंस कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए आपके इक्वेशन में जो कंपाउंड है उनको उनके अकॉर्डिंगली बैलेंसिंग पहले करिए, और जो एलिमेंटल फॉर्म में होती है जो चीजें, जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट यदि एलिमेंट फॉर्म में है उनको आप बाद में बैलेंस करिए। सो दिस इज माय बैलेंस्ड इक्वेशन, नाउ इट इज बैलेंस्ड इक्वेशन, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। देखिए हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन, ओके। एंड माय नेक्स्ट एग्जांपल इज H2S रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ H2O एंड सल्फर। हाइड्रोजन सल्फाइड इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड गिविंग वाटर एंड सल्फर। इस इक्वेशन को यदि मुझे बैलेंस करना है, इक्वेशन बैलेंस नहीं है ये, तो इक्वेशन यदि मुझे बैलेंस करना है, रूल आपको मालूम है, उस कंपाउंड से स्टार्ट करिए जिसके पास सबसे ज्यादा एटम हो। तो या तो आप H2S से स्टार्ट करिए या तो आप H2O से स्टार्ट करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, H2O से स्टार्ट करते हैं। इट हैज 2 हाइड्रोजन ऑन प्रोडक्ट साइड, 2 हाइड्रोजन ऑन रिएक्टेंट साइड, मीन्स हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है। नाउ अबाउट द ऑक्सीजन, इट इज हैविंग ओनली 1 एटम एंड इट इज हैविंग 2 एटम, बैलेंस नहीं है। बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे, जो डेफिशिएंट साइड होती है वहां पर ट्राई करते हैं अपन 2 लिखकर, शायद बैलेंस हो जाए इक्वेशन। सो अब मैंने ऑक्सीजन भी बैलेंस कर दिया, इस ऑक्सीजन बैलेंसिंग के कारण मेरा हाइड्रोजन का जो नंबर है वो चेंज हो गया, नाउ इट बिकम्स 4। तो ये डेफिशिएंट साइड है, यहां हम 4 कर देते। तो 4 कैसे कर सकते हैं हाइड्रोजन के नंबर को, H2S के पहले हम 2 लिख देंगे, सो नाउ इट इज 4, 2 2s are 4। नाउ हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, नाउ नेक्स्ट लास्ट वन इज सल्फर। हाउ मेनी सल्फर वी आर हैविंग 2 सल्फर, ओके। सो हियर वी आर हैविंग ओनली 1 सल्फर, नाउ वी कैन बैलेंस, वी कैन राइट डाउन हियर 2। सो दिस इज माय
balanced equation. Now it is balanced. Each and every element having same number of atoms on reactant as well as on product side. Ek aur example lete hain. So next example is iron, Fe, reacting with water, or you can say steam. So H2O, steam ho, water ho, we have to write H2O. So I'm giving ferric oxide. Ferric oxide ka formula hota hai Fe2O3. So this is the formula of ferric oxide. Ferric word हम तब यूज करते हैं जब आयरन थ्री वैलेंसी शो करता है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आप फॉर्मूला बनाएंगे फेरिक ऑक्साइड का, इट विल बी Fe2O3. सो Fe2O3 के साथ में हमको जो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में अगली चीज मिल रही है, दैट इज हाइड्रोजन गैस. सो वी आर हैविंग हाइड्रोजन गैस. सो दिस इज माई स्केलेटल इक्वेशन और बेसिक इक्वेशन. आयरन रिएक्टिंग विथ वॉटर and giving you ferric oxide plus hydrogen gas. Now we have to balance the equation. Bahut imbalance dikh raha hai equation. Chaliye again rule hum apply karenge, wahan se start karenge. Starting point hamara wo hoga jiske paas sabse zyada atom hote. To ye compound jo hai, compound bhi hai aur sabse zyada atom bhi hai iske paas mein. To chaliye start karte hain Fe2O3 se. First of all about the iron, it is having two atom of Fe. यहाँ पर केवल एक ही है हमारे पास में. चलिए टू कर देते हैं, ट्राई करते हैं क्या ये हिट हो सकता है. नाउ अबाउट द ऑक्सीजन, वी आर हैविंग थ्री ऑक्सीजन. हियर वी आर हैविंग ओनली वन ऑक्सीजन. सो थ्री कैसे कर सकते हैं, आगे थ्री लिख दीजिए. सो इट विल बिकम थ्री ऑक्सीजन. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द हाइड्रोजन. हियर वी आर हैविंग ओनली टू हाइड्रोजन. हियर हियर थ्री टू आर सिक्स. सिक्स हाइड्रोजन आर हियर. सो राइट डाउन, इसको सिक्स कर बना देते हैं थ्री. सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन. टू एफ ई प्लस थ्री एच टू गिव्स एफ ई टू ओ थ्री प्लस थ्री एच टू. राइट, इज इट बैलेंस? या वन मोर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम. एमजी होता है मैग्नीशियम का फॉर्मूला, मैग्नीशियम नाइट्राइड. सो मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है Mg3N2. N का वैलेंसी होता है 3, मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप फॉर्मूला बनाएंगे मैग्नीशियम नाइट्राइड. बेटा फॉर्मूले करेक्ट बनाना बहुत जरूरी है. सो मैग्नीशियम नाइट्राइड रिएक्टिंग विथ वॉटर, अगेन रिएक्टिंग विथ वॉटर. यहाँ भी वाटर से रिएक्ट किया था आयरन ने, यहाँ पर मैग्नीशियम नाइट्राइड रिएक्ट कर रहा है वाटर से. एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए हम लोग OH यूज करते हैं, एंड मैग्नीशियम का क्योंकि वैलेंसी 2 है तो हम स्मॉल ब्रैकेट यूज करके MgOH होल ट्वाइस लिखेंगे. एंड साथ में हमको प्रोडक्ट मिल रहा है NH3, अमोनिया गैस हमको साथ में मिल रही है. सो दिस इज माय इक्वेशन एंड वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन. नाउ स्टार्ट विद दोस कंपाउंड और विद दैट कंपाउंड विच इज हैविंग मोर नंबर ऑफ एटम्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके पास बहुत सारे एटम्स हैं. सो स्टार्ट करते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड के साथ में. हियर मैग्नीशियम नंबर इज 3, 3 मैग्नीशियम है यहाँ पर. Here we are having only one magnesium. तो चलिए इसको 3 बना देते हैं. ये हमने 3 लिख कर क्या किया, मैग्नीशियम के नंबर हमने बैलेंस कर दिए. तो मैग्नीशियम बैलेंस हो गया. नाउ नेक्स्ट इज माई नाइट्रोजन. आई एम हैविंग 2 नाइट्रोजन ऑन रिएक्टेंट साइड. चलिए प्रोडक्ट साइड पर देख लेते हैं, ओनली 1 नाइट्रोजन. सो इसको हम 2 कैसे कर सकते हैं, चलिए 2 लिख देते हैं आगे एंड ट्राई करते हैं इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन हिट होती है या नहीं होती है. ओके, सो व्हाट अबाउट मैग्नीशियम बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया. चलिए अब आ जाते हैं वाटर के पास में. हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन है. हियर वी आर हैविंग सी बिटन, दिस OH होल ट्वाइस, मतलब ये 2 ऑक्सीजन में भी काउंट होगा, हाइड्रोजन में भी काउंट होगा. एंड दिस 3,
Okay, so about the hydrogen we are having 2 and 3 multiply honge ye, so it is having 6 hydrogen, and here also we are having 6 hydrogen, 3 2s are 6, 6 hydrogen, so 6 plus 6 we are having 12 hydrogen on product side. Idhar aa jaiye, we are having only 2, is 2 ko hum 12 kaise kar sakte, to chaliye इसके आगे हम यदि 6 लिख देते हैं, सो 6 टू सा 12, यहां देख लीजिए 3 टू सा 6 एंड 3 टू सा 6, सो 6 बीच में प्लस का साइन है, 6 प्लस 6 हाइड्रोजन हो गया 12, हियर वी आर हैविंग 12 हाइड्रोजन, नाउ लास्ट वन इज ऑक्सीजन, सो हियर वी आर हैविंग 6 ऑक्सीजन एटम. क्या यहां पर 6 है हमारे पास? यस, 3 इंटू 2, सो 3 टू सा 6, ओके, सो ऑक्सीजन इज बैलेंस. तो आप ऐसे और इक्वेशंस ट्राई करिए, यदि किसी इक्वेशन के बैलेंसिंग में आपको कोई प्रॉब्लम आता है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में. आप